वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:45 के बाद आप सुबह के जीवन काल में जो घटना होने वाला है दोस्तों, आप यकीन मानिए आपका कलेजा हथेली पर आ जाएगा सच्चाई सुनकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच्चाई आपने आज तक अपने जीवन में नहीं सुना, नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है पर पिछले 171 साल पहले बना था। इसलिए दोस्त आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए कोई मामूली वीडियो नहीं है। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के जिंदगी को रंक कैसे राजा बना देगा। दोस्तों कौन ऐसा व्यक्ति है जो गरीब रहना चाहता है? इस कलयुग में हर एक इंसान अपने दैनिक दिनचर्या के साथ आगे ही बढ़ना चाहता है। जैसा उसका अभी का जीवन चल रहा है उसे वह बेहतर बनने का ही प्रयास करता है। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके मन की इच्छाएं पूरे नहीं होते हैं। हालांकि वह मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं फिर भी उनका सपना अधूर चार रह जाता है। दोस्तों जब भी किसी के जीवन में ऐसी घटना होता है तो समझ जाना उसके ऊपर भगवान का नजर है। जी हाँ दोस्तों, भगवान जब भी अपने भक्त को कुछ देने वाले होते हैं तो उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आपको जरूर कोई संकेत देंगे जिससे आपके सामने एक बड़ा परीक्षा आएगा, और यदि आप उसे परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर ईश्वर आप सभी के जीवन को बदलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। दोस्तों यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं होंगे, या फिर हमने पिछले कई वीडियो में भी यह बात बताया है, जब भी ईश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर साक्षात नहीं आते हैं। जब भी ईश्वर को हमारे जीवन में कोई नया परिवर्तन करना होता है तो ईश्वर साक्षात नहीं आते हैं, क्योंकि यह कलयुग के खिलाफ है। हालांकि कि त्रेता युग और उन युगों में ईश्वर साक्षात प्रकट होते थे और उनके भक्त के मन में जो भी कष्ट दुख दर्द होता था उनका समाधान प्रभु तुरंत ही करते थे, लेकिन अब कलयुग चल रहा है। इस युग में कम सबसे बड़ा प्रधान है। यहां जो अच्छा कर्म करेगा उनको अच्छा फल देगा, और जो यहां पर बुरा कर्म करेगा भगवान उन्हें दंड जरूर देगा। यदि कोई बुरा कर रहा है और आज वह उनका जीवन अच्छा चल रहा है तो घबराना नहीं है, उनका भी वक्त आने वाला है जब ईश्वर को दंड देंगे। जी हां दोस्तों, इस कलयुग में लोग कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ यहां पर एक कठपुतली के समान हैं। इस कलयुग में सब कुछ चलने वाले देवों के देव महादेव हैं जो तीनों लोकों के मालिक हैं। जी हां दोस्तों, यदि भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। यदि भगवान भोलेनाथ नहीं चाहेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपका काम बनते बनते अंत में जाकर बिगड़ ही जाएगा। दोस्तों ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सभी के जीवन काल में भी देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पढ़ने जा रहा है। इस सावन की पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले और दोस्तों आप सभी के जीवन को बदलने वाले हैं, परंतु आपको भी अपने जीवन में कुछ संकेत का सामना करना होगा, भगवान भोलेनाथ के संकेत को समझना होगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ के संकेत को समझ जाते हैं तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव होगा, और आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और अब आपका जीवन बदलने का समय आया है। तो ऐसे में आपको भी गलत ना करें और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो आपने सोचा है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, भगवान आपको मौका दे रहे हैं। इस मूवी को यदि आप छोड़ देंगे तो भगवान भोलेनाथ जो महाकाल है वह आपसे क्रोधित हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और जितने भी भोलेनाथ के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे भक्त हैं, पर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ हर हर महादेव 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों देवों के देव महादेव जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों आप यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों के मालिक आपका उद्धार जरूर करेंगे, आपके कष्टों को जरूर हरेंगे। आप देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं दोस्तों,
देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आप सभी की कुंडली में जो शुभ योग का निर्माण होने वाला है, इससे आप सभी के जीवन में चार चांद लग जाएंगे। एक शब्दों में रहते हैं तो दोस्तों, आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा। राजा बनने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब देवों के देव महादेव आपके साथ है। महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। दोस्तों, जब महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। भगवान सबको मौका देते हैं और अब एक मौका आपको भी दे रहे हैं। अब आपको इस मुंह के का लाभ किस प्रकार उठाना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में खुशियों की डंका बजाने वाली है। घर घर में आपका नाम की चर्चा होंगे। जी हां दोस्तों, और जो भी आप सभी के जीवन में सबसे बड़ा संकट है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चाहे वह आपका पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में यह ग्रह गोचर आपको लाभ देने वाले हैं। क्योंकि हमने आपकी कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण और पंचांग की गणना किया है, उसके बाद इतना भाग्यशाली और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम का निर्माण हुआ है और यह घटना 101% होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है कि जिगर हथेली पर आ जाएगा सच्चाई सुनकर। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसे शुभ योग का निर्माण हुआ है जो साक्षात देवों के देव महादेव पर, धन की देवी माता लक्ष्मी और कर्म फलदाता भगवान शनि देव को संबोधित करता है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर बना रहे हैं, इसके साथ साथ तीन सबसे बड़े महासंयोग बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, धनलक्ष्मी नाम का महासंयोग, कुबेर लक्ष्मी नाम का शुभ संयोग और शिव नाम का शुभ योग और शनिदेव का परम योग बना है। और इसके साथ साथ आप सभी की कुंडली में चंद्रमा बुध और गुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको हर क्षेत्र में बड़े बड़े खुशखबरी और बड़े बड़े कामयाब मिलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आगे इस वीडियो में जो जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, आपको मालामाल कर देगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि भोलेनाथ जब भी किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो कोई संकेत देते हैं, तो ये हाशमी आपको कौन से संकेत मिलने वाले, चलिए सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को सबसे पहले सपनों में दर्शन देते हैं। यदि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के सपने में भगवान शिव का फोटो दिखाई देता है या फिर साक्षात भगवान भोलेनाथ दिखाई देते, तो यह उनके घर आने का संकेत होता है। दूसरा संकेत है आंतरिक शांति। जब भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो भक्त को एक आंतरिक शांति देते हैं, यानी कि आपके अंदर अपने आप संतोष की अनुभूति होने लगती है। जो भी आप कार्य करेंगे उनमें आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, या फिर आपकी वजह से कोई नुकसान हो गया है तो भी आपको ज्यादा चिंता नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर भगवान का दिया हुआ शक्ति आंतरिक शांति रहता है, जो आपके मन को हमेशा स्थिर बनाकर रखना है। तीसरा जो संकेत है वह आया है, अचानक से आपके पिछले पुराना कोई समस्याओं का हाल हो जाना। जी हां दोस्तों, जो समस्या पिछले 21 में से आपके अटके हुए थे और कई समय से वह समस्या अटकने के बाद नहीं बना था, और अचानक वह समस्या हाल हो जाता है। कोई आपको कॉल करके कहता है कि आपका यहां काम बन गया, या फिर कहीं से आपको शुभ समाचार मिलता है कि आपका यह चिंता खत्म हो गया, तो उससे भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के जीव पर आशीर्वाद देने का संकेत होता है। और चौथा जो संकेत है वह आया है धार्मिक कौन का प्रकट होना। भक्ति को विभिन्न धार्मिक चिन्ह जैसे शिवलिंग, त्रिशूल, रुद्राक्ष आदि का दर्शन हो सकता है, जो भगवान शिव की उपस्थिति और आशीर्वाद देने का संकेत देता है। और पांचवा संकेत है वह यह है स्वास्थ्य में सुधार। यदि भक्त किसी रोग से जूझ रहा है, यदि आपको पिछले कैश में से स्वास्थ्य लेकर समस्याएं चल रही हैं और वह स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, आपको महसूस हो रहा है क्या आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो इसका सीधा संकेत है कि देवों के देव महादेव आप सभी के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और छठा जो संकेत है वह यह है
आध्यात्मिक अनुभव आपको ध्यान और साधना में मन लगने लगेगा। खाने का हमारा तात्पर्य है, जैसे कि आपका मन करेगा कि हम कोई मंदिर में जैन पूजा पाठ करें, आपके अंदर की भक्ति में जीवन जाग जाएगी जो पिछले कई समय से आप भूल चुके थे, या फिर कोई ना कोई काम की वजह से आप पूजा पाठ करने नहीं जा पाते थे, लेकिन अब आपके अंदर पूजा की भावना जाग जाएगी। सातवीं नंबर पर जो संकेत है वह आपके दिल को छू लेने वाले हैं। यह संकेत है आकस्मिक सुखद घटनाएं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अचानक से कोई सुखद और अनुकूल घटनाएं घटित होने लगती हैं, जिसे कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाता है और वह मेहमान आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित होता है। उसे मेहमान की वजह से आप बहुत ज्यादा धन में वृद्धि कर लेते हैं। आर्थिक लाभ, पारिवारिक लाभ या फिर कोई प्रमोशन का खबर आपके लिए लेकर आते हैं, जिसे नौकरी आपके पास नहीं है, तो कोई ऐसा लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपको कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में आप काम करोगे, यदि आप इच्छुक हैं तो आप काम कर सकते हैं। अन्य संकेत हो सकती है, तो यदि आकाश में सुखद घटनाएं होती हैं तो समझ जाना है कि देवों के देव महादेव आप सभी के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं, तो आपको अपने जीवन में कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है। यह समय आपको भगवान शिव के भजनों और मित्रों का जाप करना है। जी हां दोस्तों, आप ओम नमः शिवाय का जब 108 बार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से जीवन की हर कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जो भी मंत्र का जाप करता है और ग्रह गोचर भी जो अशोक परिणाम देते हैं वह भी शुभ फल देने लगते हैं। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा और देखिएगा आप सभी का जीवन कैसे बदलेगा। दोस्तों, आगे इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपकी राशि के बारे में और भी गहरी बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बने हैं, जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, उनका कैसा प्रभाव आप सभी के ऊपर रहने वाला है, उनके बारे में पूरे विस्तार से, तो ध्यान से देखिएगा। और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपसे बदली बहुत मेहनत करते हैं और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आप हमारी वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे भी के जीवन को बेहतर बनाने की रास्ते पर चले और आपके जीवन में आने वाले हर मुसीबत को खत्म कैसे करना है इसके बारे में आपको हमेशा बताते रहे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि देवों के देव महादेव का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाता है उसका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। लोग चाहे कितना भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जितना भोला है उतना दंड देने वाले देवता भी हैं। जी हां दोस्तों, ये समय जितने भी दुश्मन आप सभी के रास्ते में आने वाले हैं, देवों के देव महादेव उसकी सजा देने वाले। जी हां दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपका यह कार्य कैसा होगा, वह कार्य कैसा होगा। भगवान भोलेनाथ आपके साथ है, तो सब कुछ आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दीजिए। भोलेनाथ अब आपकी हर कार्य में हजार गुना ज्यादा वृद्धि करने वाले, जितने भी आपके कार्य थे वह कार्य आपके पास जाएंगे। बस भगवान भोलेनाथ को आप बिल्कुल भी नाराज मत कीजिएगा। और आगे इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले उसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपको कुछ देना चाहते हैं और इस वीडियो में हम आपको वह बात विस्तार से बताएंगे कि आखिर भोलेनाथ आपको क्या देना चाहता है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक गुरुजी के अनमोल ज्ञान के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि जो भी जाता किसी एक बार सुन लेता है उसके जीवन काल में 100 साल तजुर्बा का ज्ञान आ जाता है। खाने का तात्पर्य है कि जो लोग 100 साल में नहीं सीख पाए वह एक कहानी से सीख लेते, एक ज्ञान से सीख लेते हैं। तो इस ज्ञान को बिल्कुल ही काम लगाकर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन कई प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है।
इनमें से एक प्रमुख कहानी है उनके बाल्यकाल की लीला, जिसे हम गोवर्धन पर्वत उठाने के नाम से जानते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा गोकुल गांव में श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल के दिनों में नंद बाबा और यशोदा मियाँ के साथ रहते थे। एक बार गांव में इंद्रदेव की पूजा का आयोजन हुआ। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव वाले बड़े धूमधाम से उनकी पूजा करते थे, ताकि वह वर्षा करके उनकी फसलों को बचाएं। श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, आप यह पूजा क्यों कर रहे हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, इंद्रदेव हमारी फसलों के लिए वर्षा करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी गायों को चारा देता है और हमें भोजन की व्यवस्था करता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा और गांव के लोग श्री कृष्ण की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलधार बारिश शुरू कर दी, जिससे गोकुल गांव में बाढ़ आ गई। तब श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने गांव वालों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला से गांव वालों ने 7 दिन और 7 रातें सुरक्षित बिताई। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वर्षा रोक दी। इंद्रदेव ने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस कथा का प्रेरणादायक संदेश गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। 1. साहस और विश्वास। श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों को साहस और विश्वास दिलाया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। 2. प्रकृति की महत्ता। यह कथा हमें प्रकृति और उसके उपहारों की महत्ता समझाती है। 3. नेतृत्व। श्री कृष्ण ने अपने नेतृत्व कौशल से पूरे गांव को संकट से बाहर निकाला। 4. क्षमा और दया। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा करके दया और ममता का संदेश दिया। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे साहस, विश्वास और सही नेतृत्व से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है और दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह ज्ञान आप सभी को अच्छा लगा हो, दिल को छू लिया, तो वीडियो को इसके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पूरे विस्तार से कि देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में जो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हुए हैं और जो सुयोग का निर्माण हुआ है, उनका क्या क्या प्रभाव आप सभी के दैनिक दिनचर्या पर रहने वाला है। आखिर आपको कौन कौन से बड़े बदलाव मिलने वाले हैं और कौन कौन से छोटे मोटे बातों का आप सभी को ध्यान रखना होगा, और क्या चीज है जो भोलेनाथ आप सभी को देना चाहता है, जानेंगे आगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आगे वीडियो आप सभी के लिए सबसे भाग्यशाली वीडियो है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देवों के देव महादेव और भगवान शनि देव और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन का एक नया सवेरा शुरू होने वाला है। तो अब आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और शनिदेव बहुत बड़ा बदलाव करने वाले शनिदेव के आशीर्वाद से क्या समय आप सभी के दुश्मनों का पाप का घड़ा भरने वाले और भगवान शनिदेव आप सभी के दुश्मनों को दंड देने वाले। आपके दुश्मनों ने बहुत ज्यादा मनमानी किया है, लेकिन अब और नहीं, आपके दुश्मनों को हमेशा मिलेगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर धन दौलत से भर जाएगा। प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके अगले 24 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित होने वाले हैं। इस विस्तृत राशिफल में हम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि का प्रभाव बताएंगे। आज का दिन आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है, तो सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। उनके नाम का स्मरण करने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसके साथ ही शनि देव का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें।
शनिदेव का आशीर्वाद आपके संदेह और चिंताओं को दूर करेगा और आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके पुराने प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी और आपके सहयोगियों द्वारा आपकी मेहनत की सराहना की जाएगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके वरिष्ठों द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज का दिन व्यापारियों के लिए भी विशेष लाभकारी साबित होगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके व्यापार में वृद्धि और सफलता का संकेत दे रहा है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए अत्यंत शुभ है। व्यापार में नए साझेदार मिलने की संभावना है जिनके साथ आपका सहयोग फलदायी होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपके व्यापार में स्थायित्व आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा। आप अपने अध्ययन में एकाग्रता प्राप्त करेंगे और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी नई भाषा या कौशल को सीखने का विचार कर रहे हैं तो यह समय उसके लिए अत्यंत उपयुक्त है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके प्रयास सफल होंगे और आपके भविष्य के लिए नए रास्ते खुलेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो शनिदेव का ध्यान करें। उनकी कृपा से आपकी समस्या का समाधान होगा और आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनकी खुशियों में शामिल हों। परिवार के साथ बिताया गया यह समय आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और आपकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। नियमित व्यायाम करें और शुद्ध संतुलित आहार का सेवन करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आध्यात्मिक रूप से भी आज का दिन आपके लिए विशेष है। भगवान भोलेनाथ आपको कुछ देना चाहते हैं। इसे पाने के लिए आपको निम्नलिखित उपाय करने होंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। शनिदेव के मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और घर में लक्ष्मी पूजन करें। इन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। भगवान भोलेनाथ आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन देना चाहते हैं। शनिदेव आपकी मेहनत को सफलतापूर्वक परिणाम देने की इच्छा रखते हैं, जबकि माता लक्ष्मी जी आपके घर में धन धान्य का भंडार भरना चाहती हैं। प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके अगले 24 घंटे सुखद और समृद्ध हों। आप सभी अपने कार्यों में सफल हों और आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में स्थायित्व आए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन धान्य का भंडार भरा रहे। इस शुभकामना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। याद रखें, भगवान भोलेनाथ आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। शनिदेव आपकी मेहनत को सफलतापूर्वक परिणाम देने की इच्छा रखते हैं, जबकि माता लक्ष्मी जी आपके घर में समृद्धि और खुशियों का संचार करना चाहती हैं। इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद पाकर आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करें और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके साथ सदा बनी रहे। प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज का दिन
आपके लिए खुशियों और समृद्धि का संचार लेकर आ रहा है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसे कई सकारात्मक परिवर्तन और शुभ समाचार आएंगे जो आपके मन को प्रसन्नता और संतोष से भर देंगे। आज की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के ध्यान से करें। उनके आशीर्वाद से आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन मिलेगा। सुबह सुबह कुछ समय ध्यान और प्राणायाम में बिताएं। इससे आपकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और दिन भर आप ताजगी का अनुभव करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा। शनि देव की कृपा से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे और संभव है कि आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी सौंपा जाए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की भी संभावना है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन लाभदायक रहेगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नए साझेदार मिलने की संभावना है। निवेश करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। शनिदेव की कृपा से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपका व्यवसाय तेजी से प्रगति करेगा। आप अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे और इससे आपके व्यापारिक प्रयासों में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको उच्च शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होंगे। प्यारे दोस्तों, पारिवारिक जीवन में भी आज का दिन सुखद और आनंदमय रहेगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। किसी पुराने विवाद का समाधान होगा और आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अपने प्रियजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी योग बन रहा है। यह यात्रा आपके परिवार को और भी करीब लाएगी और आपसी समझ को बढ़ाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। आज आप अपने स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव करेंगे। किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और आपकी ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें। इससे आपके स्वास्थ्य में और भी सुधार होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है। भगवान भोलेनाथ आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन देना चाहते हैं। उन्हें पाने के लिए सुबह सुबह उनका ध्यान करें और ध्यान में कुछ समय बिताएं। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। इन उपायों को करने से आपको आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके दिन की शुरुआत शुभ समाचारों से होगी। आपके मित्रों और रिश्तेदारों से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। कोई पुराना मित्र आपसे संपर्क कर सकता है और यह मिलन आपके लिए खुशी का कारण बनेगा। अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन धान्य का आगमन होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके अगले 24 घंटे अत्यंत शुभ और सुखद साबित होंगे। आपके जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशियों का संचार होगा। अपने दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरें। शनिदेव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में समृद्धि और खुशियों का आगमन होगा। याद रखें, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव
और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर रहेगा। आपके सभी प्रयास सफल होंगे और आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। अपने दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए करें, शनिदेव की पूजा करें और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद पाकर आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करें और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। भगवान भोलेनाथ, शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके साथ सदा बनी रहे।